हेलो दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज शेयर कर रही हूँ आपसे कि मैं कैसे बनाती हूँ सत्तू पराठा। और ये जो सत्तू का स्टफिंग बना रही हूँ मैं, ये लिट्टी में भी इस्तेमाल होता है और पराठा के लिए भी। एक ही मसाला है, बस अलग अलग तरीके से बना लेते हैं, कभी पराठा या लिट्टी। तो इसके लिए मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ता सबको काट लिया है, और चॉपर में एक प्याज, और प्याज एक ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं। अगर सफ़र पे जा रहे हैं कहीं लेके तो इसमें प्याज नहीं डालें, और बाकी सारी चीज़ें डालें। फिर मैंने इसमें नमक में थी सत्तू में नमक, अजवाइन, मंगरेल थोड़ा सा, और अचार का मसाला और तेल मिलाकर थोड़ा सा दिया, और सरसों का तेल भी अलग से डाला है। और ये हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को जो मैंने चॉपर में काट के रखा था वो भी इसमें अच्छे से मिला देंगे, और धनिया पत्ता को भी मिला देंगे। इसके साथ बैंगन, आलू और टमाटर को भून के बहुत अच्छा सा चोखा बना के खाते हैं, जो लिट्टी और पराठा दोनों के साथ अच्छा लगता है। और मैं आज पराठा बना रही हूँ और इसी के साथ मैं ये चोखा भी बना रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और ये अचार का मसाला जो घर में बनता है हमारे यहाँ, आम का अचार, उसी का मसाला है, बहुत अच्छा लगता है इस सत्तू के पराठे में। और ये नींबू को भी मैंने निचोड़ के एक नींबू को रखा है, और उसका भी रस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें सरसों के तेल का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसलिए ढेर सारा सरसों का तेल मैंने डाला। और ये चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और प्याज सबको मैंने अच्छे से डालकर, धनिया पत्ता डालकर मिला देंगे। और इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्याज और मिर्ची अदरक सारा अपना खुद ही पानी छोड़ेगा। और ये नींबू, एक नींबू का रस ये डाल देने से इस ये खुद ब खुद बाइंडिंग हो जाएगा, इसमें अलग से पानी डालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं बैंगन और टमाटर को भून रही हूँ, और एक आलू उबाल के पहले से ही रखा था, और बैंगन और एक टमाटर एक बैंगन पका रही हूँ। और इस तीनों का चोखा मैं बनाऊंगी। चोखा में सिंपली मैंने दिखाया नहीं कि कैसे बनाया है, बस कुछ ही क्लिप लिया और लेना भूल गई। तो अगर आपको पसंद आएगा तो फिर मैं आगे फिर शेयर कर दूंगी। यहाँ पे सिंपल से आलू और बैंगन टमाटर को पका के और इसे छिलका निकाल के इसे अच्छे से मैश कर लिया, उसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता, नमक, तेल, बस इतना ही कुछ डाल के चोखा बनाते हैं। सिंपल सा, ऐसे आग पे नहीं पकाते हैं, बस ऐसे ऊपर से ही कच्चा कच्चा इसमें मिलाया जाता है, और अच्छा लगता है सत्तू पराठा और लिट्टी के साथ। यहाँ बैंगन को अच्छे से खोल खोल के देख लेना पड़ता है, कहीं इसमें कोई कीड़ा या फिर कुछ खराब पार्ट भी तो हो सकता है, इसलिए भी। यहाँ पे मैंने आलू और बैंगन टमाटर सबको अच्छे से मैश करके और इसमें सब कुछ मिला के रख दिया है। टमाटर कुछ अच्छे से पके नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा उसका पार्ट जो नहीं पका उसे निकाल दिया। यहाँ नमक और तेल डालकर बाद में मैंने इसमें जो मिलाया प्याज, मिर्ची और धनिया पत्ता, वो क्लिप मैंने नहीं शूट किया। और अब यहाँ आटा गूंथ लेंगे और उसमें छोटा छोटा लोई काट कर उसमें भर देंगे। और यहाँ जो मैंने भर के एक सत्तू का ये लिट्टी जैसा तैयार किया, इसे ऐसे आग में पकाया जाता है, आग में वो कंडे के आग गोबर के उपले से जो बनता है उसमें पकाते हैं, और उसी से लिट्टी बन जाता है, और यहाँ पे इसे बेल कर पराठा बन जाता है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये अच्छा लगा पराठा और आप ज़रूर ट्राई करना चाहते हैं तो एक लाइक भी कर दें।
और मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप लोग ज़रूर जाकर एक बार देखें। और ये पराठा मेरे घर में इतना पसंद है सबको कि मैं बनाते जाती हूँ और खाने के लिए सब बैठ जाते हैं। तो ये आपको दिखेगा आगे कि मैंने बनाया ढेर सारा है और प्लेट में कम दिख रहा होगा पका हुआ। तो आप लोग बना के ज़रूर देखें इस तरीके से। ठंड के मौसम में हर बिहारी घर में ये ज़रूर बनता है। हर पराठा के साथ साथ एक दिन ये पराठा या लिट्टी ज़रूर बनता है। इसे तल भी सकते हैं तेल में और आग में भी पका सकते हैं। बस इसका जो अंदर का स्टफिंग है ये देखिए थोड़ा सा बच गया है और मैंने इतना बना के तैयार कर लिया। तो कासतू पराठा बनाते समय फट जाता है बेलते समय, तो इसे मैंने आलू पराठा जो आपसे शेयर किया है वीडियो उसमें भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि पहले हाथों से दबा दबा कर उस लोई को अंदर में ऐसे ऐसे दबाने से अंदर का सारा एक सार फैल जाएगा तो ये नहीं फटेगा। और आप बेलते समय हल्के हाथों से एक एक करके ऐसे बेल के और पलटते जाए तो उससे नहीं फटेगा। और ये देखिए बेल के मैंने पराठा सेक लिया और मैं यहाँ सरसों के तेल में सेक रही हूँ क्योंकि सत्तू पराठा का स्वाद तो सिर्फ सरसों के तेल में सेकने से ही आता है। आप चाहे तो घी या बटर में भी सेक सकते हैं। अलट पलट के अच्छे से पका के मैं सरसों के तेल में कम ही तेल में सेकूँगी और बहुत अच्छा सा फूला फूला सा पराठा बनेगा। आप लोग आगे देखेंगे। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी आए हैं नए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और एक लाइक कर दे। आपके एक लाइक से हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है तो प्लीज़ अपने एक लाइक से हम लोग को खुश कर दे। और ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी सी है। ये देखिए खाने के लिए बच्चे सब उछलने तैयार हैं और बगल में खड़े हैं, बस इसे निकलने की देरी है और बस थाली लेके तैयार है। और देखिए मैंने बनाया पर प्लेट में वहाँ नहीं है क्योंकि वो तो चला गया। इसी तरह 2-3 भी बना था और सब गायब हो गया बनते ही। लास्ट में मैंने कहा रुक जाओ मुझे प्लेटिंग करके भी दिखानी है। बहुत बार ऐसा होता है मैं बहुत सारे पराठे बनाती हूँ और उसका प्लेटिंग मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उससे पहले ही वो पराठा ख़त्म हो चुका होता है। सब लास्ट का एक दो बचता है और मैं भूल जाती हूँ। तो इस तरह से इसका मैंने प्लेटिंग पूरा कंप्लीट करके वीडियो डाला है। और कई ऐसे वीडियो हैं जो मैं बहुत लेट हो जाता है उसको डालने में क्योंकि उसको दोबारा फिर से बनाना पड़ता है, तब मैं प्लेटिंग करके पूरा वीडियो बना पाती हूँ। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर ले और ये पराठा ट्राई करके मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आप लोग को कैसा लगे। कुछ नहीं तो एक इमोजी ही कमेंट में डाल दें, कुछ भी डाल दें जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। जितने भी YouTube पे मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे एक फैमिली के जैसे हैं और मैं अपने फैमिली मेंबर्स का साथ पाकर बहुत खुश हूँ। तो आप लोगों को ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी और आप लोग और कहें जो कहिएगा वो मैं बना के ज़रूर दिखाऊंगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं और कौन सा लेके आऊँ बिहारी डिश आप लोगों के लिए। और ये रहा, मैं प्लेटिंग करना चालू कर दी हूँ। तो ये देखिए मैंने पराठा डाला और ये रहा चोखा। चोखा भी बहुत यमी बना था और ऐसे कच्चा प्याज और टमाटर मिर्ची धनिया पत्ता से आप एक बार बना कर जरूर ट्राई करें। ये चोखा सादा सिंपल पराठा के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और सत्तू वाले पराठे और लिट्टी के साथ तो कमाल का बनता है। और ये रहा धनिया का चटनी,
धनिया, आंवला और मिर्ची सब डाल के मैंने एक चटनी बनाया था। उसके अलावा एक और ये चटनी है, ये है भुने हुए चना का चटनी है। इसकी भी रेसिपी मैं डाल रखी हूँ, आप जाके ज़रूर चेक करें, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रहा मेरा थाली जिसमें दो तरह की चटनी, दही और ये रहा लड्डू। जब कोई मिठाई हो तो बहुत